हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। मेरा नाम रोशन है और मैं नीट एस्पिरेंट 2025। तो अभी मॉर्निंग का 4:08 बज चुकी है और मैं उठ चुका हूँ। लेट रात को बहुत लेट को सोया था 12 के बीच में, तो मैं अभी तब पर भी मैं जल्दी ही उठ गया हूँ। तो मैं दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ तो मैं बिहार का हूँ और 2021 में मैंने 12th पास किया था। तो मेरा 21 और 22 मेरा ऐसे ही गुजर गया कि मैं हिंदी में लूँ बैच या इंग्लिश में लूँ। इस चक्कर में मैंने बैच नहीं ले पाया और ना ही तैयारी कर पाया और प्लानिंग भी नहीं था पहले से। तो मैंने अभी 2023 में अर्जुना नेट 2024 वाला बैच ज्वाइन किया हूँ, जो 25 टारगेट रखता है। मेरा मुझे 25 में एग्ज़ाम देना है, तो यही मैंने बैच ज्वाइन किया हूँ मेरे इंग्लिश मीडियम से। और मेरी अभी पढ़ाई चल रही है अच्छी, बट थोड़ा मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अभी उतना हैबिट नहीं बना है 10-12 घंटा पढ़ने का, तो मुश्किल से 8 घंटा पढ़ लेता हूँ डेली क्लास लगाकर। तो अभी टाइम हो चुकी है 8:42 और मैंने बॉटनी और जूलॉजी का रिविज़न करके चलता हूँ, खाना पीना बना लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाला हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं ही एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ जो इंग्लिश में शिफ्ट हुआ हूँ, बट यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने जब वीडियो अपलोड किया और देखा यूट्यूब पे, बहुत भाई लोग कमेंट किए थे कि मैं भी ऐसा ही है, तो मुझे यार बहुत मोटिवेशन मिला कि यार चलो मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं तो मुझे लग रहा था कि हम ही वो अकेला हैं और कोई नहीं है। हमको बहुत टेंशन होता था, मेरे अभी टेंशन उतना नहीं होता है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट है, ऐसा करना पड़ता है, कुछ सपने बड़े देखता है तो उसको पूरा भी करना पड़ता है, और जो भी बीच में कठिनाई आती है उसको पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने संडे को जो टेस्ट दिया था 720 नंबर का टेस्ट था, 200 क्वेश्चन था, तो मैं उसके बारे में भी आप लोग को मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, एक चीज़ के लिए सॉरी, मैं आप लोग को पढ़ाई वाला ब्लॉग नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास एक ही फ़ोन है तो मैं उससे पढ़ाई करता हूँ, या मुझे जो दिक्कत होता है मुझे बार बार सर्च करना पड़ता है गूगल या यूट्यूब, तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और चलिए, अभी खाना पीना बन चुकी है, खाना पीना खा लेता हूँ। तो दोस्तों, फिर टाइम हो चुकी है 2:50 और सोचा कल संडे ही है तो बहुत लेट तक पढ़ लेता हूँ। तो मैंने अभी फिजिक्स में भक्तर वगैरह अच्छा से रिविजन कर लिया, बैक वाला भी बढ़िया से रिविजन कर लिया हूँ, और ये अभी थोड़ा ये बायोलॉजी भी बुक रीडिंग कर रहा हूँ अच्छे से, और हाईलाइट भी करूँगा इसको क्या हो रीडिंग तो चल रही है। और दोस्तों, क्योंकि हमको तो डबल मेहनत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा देखना पड़ता है, वर्ड उसका करना पड़ता है। तो मैं आप लोग को अब बताता हूँ, अब तो मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा कितना नंबर आया था टेस्ट में, जो प्रैक्टिस टेस्ट हुआ है अर्जुना नेट द्वारा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलर जो हुआ था डेट 20 मई बाई PW अर्जुना नेट क्लास 11th 2025 से बैच है, तो उसमें कितना मेरा टेस्ट, तो मैं आप लोगों को सच सच बता, आप लोग झूठ नहीं बोलना है, मैंने संडे को टेस्ट नहीं दे पाया। आप लोग देखते होंगे ब्लॉग, मैं घर गया था तो मैं कल होकर उसको री अटेम्प्ट दिया, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब आपका रिजल्ट उधर से नहीं आएगा, आपको खुद मिलाना पड़ेगा। मैंने खुद मिलाया तो स्किप मैंने 29 किया था, तुक्का 11 लगाया था, सॉरी ये रॉन्ग 29 हुआ था और करेक्ट 131 क्वेश्चन हुआ था, जिसमें सारा मुझे कट ऑफ करके निगेटिव मार्किंग करके टोटल मार्क 455 आया है ब्रॉक्स। तो मैंने खुद से मिलाया हूँ सही सही, क्योंकि मैं उस संडे को देने पाया तो मेरा नाम नहीं आया, मैं घर चला गया था,
तो इतना मेरा नंबर आया था। और दोस्तों मैं आप लोग से मैं आपको अपना मोबाइल वाला भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरा इतना नंबर आया था, मैं आप लोग से तो झूठ बोल नहीं सकता हूँ। और एक प्रयास मेहनत चल रही है, अब अगला टेस्ट प्रयास करूँगा कि अब जो टेस्ट होगा मैं उसको उसी दिन अटेम्प्ट करूँ। घर चला जाता है तो उसका दिक्कत हो जाता है। तो अब चलिए चलते हैं सोने के लिए।